सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़े प्रोजेक्ट में 8.34 हजार करोड़ का निवेश करेगा। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद हाल ही में 2 दिन पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच डील पर चर्चा हुई। वही शुक्रवार को पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी सऊदी के सहायक रक्षा मंत्री मेजर जनरल अब्दुल्ला अल ओताइबी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री ट्रेडिंग पर भी चर्चा हुई। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईद उल फितर के मौके पर सऊदी अरब गए थे। वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें इफ्तार पार्टी का न्योता दिया था। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली और राजनीतिक उठापटक के बीच सऊदी हमेशा से उसके साथ खड़ा रहा है। पिछले साल जुलाई में सऊदी ने पाकिस्तान को $2 अरब का लोन दिया था। बता दें 2020 तक पाकिस्तान को कर्ज देने वाले देशों में सऊदी पहले नंबर पर था।